हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशी टॉक्स। गाइस बहुत अच्छी गुड न्यूज है आप सभी के लिए। विप्रो एलाइट एनटीएच 2022 के रिजल्ट जो है वो फाइनली आउट हो चुके हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, विप्रो एलाइट नेशनल टैलेंट हंट 2022 असेसमेंट रिजल्ट। सो कुछ इस तरह के मेल कैंडिडेट्स को आज आना स्टार्ट हो गए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो मैंने टेलीग्राम पर पहले ही इस न्यूज को अपडेट कर दिया था। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ रिजल्ट मेल में क्या क्या मेंशन किया गया है एंड कब आपके इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं। साथ साथ गाइस विप्रो ने जो है रिजेक्शन मेल सेंड करना भी स्टार्ट कर दिया है। सो काफी कैंडिडेट्स को रिजेक्शन मेल भी रिसीव हुए हैं। तो सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ साथ वर्चुअल बिजनेस डिस्कशन क्या होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ साथ आप इंटरव्यू के लिए किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, ए टू जेड सभी चीजों का हम आज की इस वीडियो में कंसिडर करने वाले हैं। उससे पहले गाइस अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। एंड चैनल पे जो रीसेंट वीडियोस है वो सभी वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप वहां पर एलिजिबल हो तो डेफिनेटली इस जॉब रोल अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई कीजिए। ओके एंड टीसीएस से रिगार्डिंग, केपीजीएमई से रिगार्डिंग सभी अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे रेगुलरली मिलती रहती है गाइस। ओके अब चलिए हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पर। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ विप्रो की तरफ से आया रिजल्ट मेल। तो जैसे कि आप देख सकते हो विप्रो एलाइट नेशनल टैलेंट हंट 2022 असेसमेंट रिजल्ट। तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखने मिल जाता है कि असेसमेंट रिजल्ट आउट हो गए। यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है विप्रो कैंडिडेचर अपडेट, ग्रीटिंग्स फ्रॉम विप्रो, कांग्रेचुलेशन ऑन बीइंग शॉर्टलिस्टेड इन द ऑनलाइन असेसमेंट राउंड। तो गाइस आप देख सकते हो आप ऑनलाइन असेसमेंट राउंड में शॉर्टलिस्टेड हो चुके हो। प्लीज बी इन्फॉर्म दैट द नेक्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस दैट इज वर्चुअल बिजनेस डिस्कशन विल बी शेड्यूल शॉर्टली थ्रू सुपरसेट प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे मेंशन किया गया कि आपका जो नेक्स्ट राउंड होने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस का वो होने वाला है वर्चुअल बिजनेस डिस्कशन। अब वर्चुअल बिजनेस डिस्कशन क्या होता है? वर्चुअल बिजनेस डिस्कशन इज नथिंग देन इंटरव्यू। ओके इसका मतलब होता है इंटरव्यू राउंड, जो आपका टेक्निकल राउंड एचआर इंटरव्यू राउंड होता है वही इसको नाम दिया गया है वर्चुअल बिजनेस डिस्कशन। ओके जो कि शॉर्टली शेड्यूल कर दिया जाएगा आपके सुपरसेट प्लेटफॉर्म के थ्रू। एंड आप टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड हो चुके हो एंड टेस्ट के बाद होती है इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट, जहां पर आपका टेक्निकल इंटरव्यू एंड एचआर इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर अपडेट, जो कि आपको सुपरसेट प्लेटफॉर्म के थ्रू बता दिया जाएगा एंड जो भी डिटेल्स आती है आपको मेल के थ्रू एंड सुपरसेट प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये रहा विप्रो इलाइट एनटीएच 2022 का असेसमेंट रिजल्ट सिलेक्शन मेल। अब मैं आपको दिखा देता हूँ रिजेक्शन मेल। तो जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो विप्रो कैंडिडेचर अपडेट, ग्रीटिंग्स फ्रॉम विप्रो, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट यू हैव नॉट बीन शॉर्टलिस्टेड इन द ऑनलाइन असेसमेंट राउंड, हेंस वी विल नॉट बी एबल टू टेक योर कैंडिडेचर फॉरवर्ड, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द कैंपस हायरिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे सिंपली मेंशन किया गया है वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव नॉट शॉर्टलिस्टेड। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया कि आपको शॉर्टलिस्टेड नहीं किया गया क्योंकि आपने ऑनलाइन असेसमेंट राउंड क्लियर नहीं किया। ओके थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द कैंपस हायरिंग प्रोग्राम, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। ओके सो ये रहा विप्रो का रिजेक्शन मेल एंड ये रहा विप्रो का सिलेक्शन मेल। तो दोनों ही के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। साथ साथ गाइस जैसे कि आप देख सकते हो वर्चुअल बिजनेस डिस्कशन मतलब होता है इंटरव्यू राउंड, जो टेक्निकल राउंड होता है टेक्निकल इंटरव्यू एचआर इंटरव्यू उसे विप्रो ने वर्चुअल बिजनेस डिस्कशन राउंड बोला गया है। अब बात कर लीजिए गाइस इंटरव्यू प्रिपरेशन की। तो गाइस मैं आप बता दूं इंटरव्यू में बेसिकली कुछ मेन पॉइंट जो डिस्कस किए जाते हैं जो पूछे जाते हैं गाइस उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको विप्रो में कोई भी इंटरव्यू हो आपको सबसे पहले पूछा जाएगा आपके इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, तो आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। सेकंड चीज आ जाता है आपका प्रोजेक्ट, तो अगर आपने जो भी प्रोजेक्ट किया प्रोजेक्ट के बारे में ए टू जेड चीजें प्रिपेयर कर लीजिए। ओके प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग पूछा जाएगा एंड रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो रिज्यूमे में आपने जो भी स्किल्स मेंशन की गई है या जो भी आपने मेंशन किया है इंटर्नशिप एक्सपीरियंस उन सभी चीजों के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपको पूछा जाएगा कि आप कौन सी कोडिंग लैंग्वेज में प्रिफर करते हो। ओके कौन सी कोडिंग लैंग्वेज आप में एक्सपर्टीज है, कौन सी कोडिंग लैंग्वेज में आपकी एक्सपर्टीज है। ओके सो यहाँ पर आपको जो भी कोडिंग लैंग्वेज काफी अच्छे से आती है आपको वो आंसर कर देना है। फॉर एग्जांपल आप सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन जो भी लैंग्वेज आप मेंशन कर सकते हो एंड उसके बेसिस पे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये रहे आपके 5 पॉइंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गए हो। तो गाइज ये रहा विप्रो का सिलेक्शन मेल, रिजेक्शन मेल, वर्चुअल बिजनेस डिस्कशन राउंड क्या होता है, इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में मैंने आपको बेसिक डिटेल्स बता दिए। इसका डिटेल वीडियो जो है आपको हमारे चैनल पे जल्दी ही मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए गाइस, क्योंकि विप्रो का इंटरव्यू प्रिपरेशन वीडियो आपको हमारे चैनल पे जल्दी देखने मिलने वाला है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।